बिजनौर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 134 किलो गांजा पकड़ा, 7 तस्कर गिरफ्तार। न्यूज़ वन के लिए जनपद बिजनौर से अर्पित त्यागी की रिपोर्ट। बिजनौर जनपद के नूरपुर थाना क्षेत्र की पुलिस व बरेली एसटीएफ की टीम ने एक संयुक्त अभियान के तहत मादक पदार्थ का धंधा करने वाले एक गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग डीसीएम ट्रक में कटहल की सब्जियों के बीच में गांजा के 67 पैकेटों में 134 किलो गांजा की तस्करी करने निकले थे। एसपी बिजनौर संजीव त्यागी ने गांजा तस्कर के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इस गिरोह के 7 लोगों रिजवान, इंतजार, कुतुबुद्दीन, वसीम, राजूपाल, सतीश और बलराम नाम के आरोपियों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इस अभियान के तहत पुलिस व एसटीएफ की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत इस गिरोह के लोगों को गांजे के साथ पकड़ा है। इस गांजे की कीमत लगभग 4 लाख रुपया बताई जा रही है। पुलिस ने इनके पास से 134 किलो गांजा, एक आईसर ट्रक, एटीएम, आधार कार्ड, गांजा जो पकड़ा गया और साथ एक का मामला है। एसटीएफ बरेली और बिजनौर नूरपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 134 किलो गांजा बरामद किया है। 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ लोग विशाखापट्टनम से ये गांजा लेकर आ रहे थे और मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे के रहने वाले लोगों को बेचने जा रहे थे। इनको सौदा करते हुए सभी को साथ में पकड़ लिया गया है और इस गैंग को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से इन्होंने गांजे को कटहल की सब्जी के बीच में रखा हुआ था। इनके पास से एक डीसीएम, 4 मोबाइल, 12,000 और कुछ रुपये नगद बरामद हुए हैं। आधार कार्ड बरामद हुआ है। पूछताछ करके इनको जेल भेजा जा रहा है। वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। पुलिस को ये कामयाबी अचानक मिली या पहले से सूचना थी इस पर कि कुछ इस तरह का होगा? पुलिस ने पहले से ही मुखबर की सूचना पर ये कार्रवाई की।